बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। थाना बेहट सहारनपुर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के 5 सहयोगी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में बेहट प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस द्वारा थाना बेहट पर पंजीकृत मुकदमा गैंगस्टर अधिनियम में खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला गैंग के 5 सदस्य अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र रघुवीर, संजय पुत्र अमर सिंह, अब्दुल रहमान पुत्र रशीद, अखलाक पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व बीरबल पुत्र गेंदाराम निवासी मकान नंबर 67 पेपर मिल रोड काशीराम कॉलोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर जसमौर चौराहा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। सर, क्या कुछ खुलासा किया जा रहा है? देखिए, थाना बेहट पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 457/22 जो कि अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत था। इस मुकदमे में करीब 14 अभियुक्त थे जो सभी संगठित रूप से गैंग बना के इकबाल वाला के साथ अवैध लाभ अर्जित करते थे। इसमें ऑलरेडी 4 अभियुक्त जो हैं वो जेल में हैं और 5 अन्य अभियुक्त इसमें आज सुबह दिनांक 17/9/2022 को थाना बेहट द्वारा गिरफ्तारी इनकी की गई है और उन्हीं के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या कुछ आरोप इन पर लगे थे? क्या कुछ घटना को अंजाम देने? देखिए, पूर्व में ये एक खनन माफिया के साथ मिलकर संगठित रूप से अवैध खनन और अवैध ज़मीन पे कब्जा करने का काम करते थे। इनमें से 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, एक व्यक्ति सरकारी लोक सेवक रहा है, लेखपाल की नौकरी की है इसने, और इसने उस समय गैंग के साथ मिलकर जो असंक्रमणीय भूमि होती थी उसको संक्रमणीय बनाकर फर्जी तरीके से दिखाकर और अवैध पट्टा किया था। जो 4 अन्य लोग हैं इनके नाम पर अवैध पट्टा होता था और उससे गलत तरीके से माफिया को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। इस गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखाया गया है और आज इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इकबाल वाला भी जी इस मुकदमे में इकबाल वाला भी मानचित है।